Very good morning to all. Welcome to Staying at Home Study Program April 2020. Here I am Sarvjit Kaur. This is a science lecture for class 5th. We have started our first chapter, the name of chapter Circulatory System. In this chapter, we have covered the basics of circulatory system. What is circulatory system? And then components of circulatory system. The component of circulatory system has three parts: blood, heart, and blood vessels. In last lecture, we have covered one component, that is blood. Today we will cover our rest of two components, heart and blood vessels. So let's start with blood vessels. The component of blood vessels. Blood vessels are hollow tubes which forms the network which form the network of circulatory system. Blood vessels क्या होती हैं? Hollow tubes होती हैं. Means क्या है? ये अंदर से खाली होती हैं. ये tubes हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? Blood vessels. Which form a network of circulatory system. ये वाला जो इनका आपस में connection है इसको बोला जाता है network. जो circulatory system का network बनाते हैं उनको बोलते हैं हम circulatory system. They are spread all over the body. सारी body के बीच spread out होती हैं and transport blood to the body. इसका मतलब क्या है कि ये पूरे से अपनी body के अंदर फैली हुई होती है एंड ये क्या करती हैं ब्लड को सारी बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज. ये कौन सा पार्ट है? रेड कलर की जो ब्लड वेसल है उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज. एंड ये जो ब्लू कलर की है उनको बोलते हैं वेंस. एंड जो ये पतली जो थिन टाइप की ट्यूब्स हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज. टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. आर्टरीज. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. वो क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की सफिशेंट अमाउंट प्रेजेंट है वो उस ब्लड को कैरी करके हार्ट से बॉडी के दूसरे ऑल पार्ट्स तक लेके जाती है. राइट. दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू होल बॉडी. ये क्या करती है? जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वहाँ से लेके दूसरी सारी बॉडी होल बॉडी में क्या करती हैं? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. एंड ऑल्सो फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड हर्ट की राइट साइड से लंग्स में क्या करती हैं? ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. नेक्स्ट इज वेन्स. वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड टू द हर्ट. क्या करती हैं? जब वो पूरा ब्लड सर्कुलेट हो गया, पूरा ब्लड है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर गया, तब वो सर्कुलेट होने के बाद हर्ट में वापस आता है. कौन वापस लेके आते हैं? बेंस. बेंस के थ्रू वो हमारे हार्ट में वापस आते हैं. जो पहले मींस आर्टरी से क्या होता है? ऑक्सीजन रिच. मींस ये पूरे ब्लड को प्यूरीफाई करने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और जो सर्कुलेट होने के बाद आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है. ओके. दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करती हैं एंड ब्रिंग इट बैक टू हर्ट. हर्ट के पास ये वापस आ जाती हैं. सो इन शॉर्ट आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट. आर्टरीज क्या करती हैं? दिल से ब्लड को दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है, दिल से दूर लेके जाती हैं. मीन्स अवे करती है. वाइल वेन्स टूवर्ड द हर्ट. वेन्स क्या करती है? ब्लड को हर्ट के पास लेके आती हैं. ओके. हर्ट में लेके आती हैं. राइट. नेक्स्ट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज आर थिन ट्यूब्स. थिन ट्यूब्स होती हैं
दैट कनेक्ट द आर्टरीज टू वेन, जो आर्टरीज को, आर्टरीज ये वाली है, वेन्स ये वाली, इन दोनों को जो कनेक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। दे आर सो थिन, ये बहुत पतली होती हैं, दैट इज थ्रू देयर वॉल्स दैट एक्चुअली एक्सचेंज द, जो इसकी बॉल्स होती हैं, साइड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ फूड गैसेस वाटर एंड डिफरेंट मटीरियल्स, इन सारे मटीरियल को एक्सचेंज करती हैं बिटवीन द ब्लड, ब्लड के बीच में, एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टेक प्लेस, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी ऐसी होती है। जो वेन्स होती हैं क्लोज टू द सर्फेस ऑफ स्किन, जो हमारी बॉडी के ऊपर वाले, स्किन के ऊपर वाला जस्ट बिलो पार्ट होता है, वहाँ बहुत मतलब क्लोजर होती हैं, दैट्स वाई वी कैन सी देम थ्रू द स्किन, जो इसको हम अपनी स्किन के थ्रू देख सकते हैं, राइट ये आप अपनी बॉडी में देखो, आपको ब्लू कलर या जो पिक्चर दिखाई थी मैंने ब्लड वेसल्स की, जो ब्लू कलर की वेन्स होती हैं, ब्लू कलर की वेन ये होती हैं कैपिलरीज, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, ये वाला ब्लू कलर की जो कैपिलरीज हैं, ये हमारी स्किन से हमें कभी कभी दिखाई देती है ना, आप ट्राई करना जिनकी पतली स्किन होगी उनको ज़्यादा दिखाई देती हैं, जो रेड कलर की होती हैं वो नहीं दिखाई देती, एंड कैपिलरीज क्यों नहीं दिखाई देती, बिकॉज दे आर मच डीपर, ये ज़्यादा अंदर होती हैं इसीलिए दिखाई नहीं देती। सो ब्लड वेसल्स इज कम्प्लीट, इन ब्लड वेसल्स वी हैव कम्प्लीटेड आवर थ्री डिफरेंट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा था, हार्ट। हार्ट, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन्स मीन्स इसमें मसल्स होते हैं, दैट हेल्प इन पम्पिंग ब्लड टू द होल बॉडी, इसकी हेल्प से क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ आवर चेस्ट, ये कहाँ होता है, मिडल ऑफ चेस्ट मीन्स हमारी चेस्ट के बीच बीच में होता है, बट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट, जो चेस्ट से लेफ्ट साइड की ओर होता है हल्का सा। द हर्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, हमारी मुट्ठी की तरह इसकी शेप होती है, राइट। आवर हर्ट इज़ एक्चुअली अ मसल, एक मसल की तरह, बिकॉज मसल क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट ये इसीलिए इसको मसल्स, जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो कभी एक्सपेंड करते हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें, जब कभी हम हैवी बैग को उठा लेते हैं हमारी आर्म्स में, कोई चीज़ हैवी चीज़ उठा ली विद द हेल्प ऑफ अवर आर्म्स, वो क्या होती हैं, हमारी आर्म्स दर्द करने लगती हैं ना, पेन होने लगती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बट जो हमारा हर्ट है वो स्पेशल टाइप का एक मसल्स है, जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूली वर्क करता है डे एंड नाइट, कभी भी ये स्टॉप नहीं करता, राइट। अवर हार्ट हैज़ फोर सेक्शंस और चैम्बर, हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, टू इन लेफ्ट टू इन राइट। देर इज सम अदर इंफॉर्मेशन, द एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो एक्सपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है ये एक्शन होता है हार्ट का, हेल्पिंग ब्लड टू द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब वो सुंगड़ता है मतलब मीन्स इकट्ठा होता है ऐसे अंदर की तरफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपेंड करता है, फिर वो उसकी वजह से क्या करता है, वो पंप करता है बॉडी में ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड दैट इज पुअर इन ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है उसको पंप करके लंग्स में लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, लंग्स में। हियर द ब्लड बिकम रिच इन ऑक्सीजन, यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मेरे ऑक्सीजन की सफिशेंट अमाउंट गेन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन वी इनहेल, बिकॉज लंग्स में क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन होती है बिकॉज वो इसको हम ब्रीथ इन करते हैं
द ब्लड इज़ देन पम्प टू द होल बॉडी, जब वो ऑक्सीजन रिच हो जाते हैं देन पूरी बॉडी में उस ब्लड को क्या करते हैं, पम्प करते हैं। व्हेन आवर हार्ट बीट्स, जब हमारा दिल हार्ट क्या करता है, बीट करता है, इट इज़ एक्चुअली पम्पिंग ऑफ आवर हार्ट दैट वी हियर एज अ रेगुलर बीट। हमारे अपने हाथ रख के देखना, आपको वहाँ पे एक बीट सुनाई देगी, राइट, उसको हार्ट बीट कहते हैं, राइट। हाउ डज आवर हार्ट बीट, हमारा दिल है जो हमारा हार्ट है वो बीट कैसे करता है। आवर हार्ट एक्सपेंड एंड फिल विद ब्लड, एक्सपेंड करता है मीन्स उसके जैसे गुब्बारा एक्सपेंड करता है ना, जब उसमें एयर फिल हो जाती है वैसे ही हर्ट है, हर्ट में जब ब्लड फिल हो जाता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है। देन इट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मीन्स अंदर की तरफ सुंगट जाता है। टू स्क्वीज द ब्लड आउट मीन्स स्क्वीज द ब्लड आउट, क्या करता है, ब्लड को दूसरे बाहर निकालता है हर्ट से, मीन किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। दिस इज़ व्हाट कॉज द हार्ट टू बीट, इसी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट बीट करता है। आवर हार्ट डज दिस डे एंड नाइट ऑल द टाइम, हमारा जो हार्ट है वो डे नाइट ऑल टाइम वर्क करता है, राइट। जो जैसे मैंने बताया कि अपना हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, अगर हम देखें कि उसकी मतलब कितना वो पंप कर सकता है, कितने डिस्टेंस, अगर हम नॉर्मली किसी चीज़ की बात करें, हम पानी की पाइप होती है, राइट, पाइप में अगर हम मोटर चला रखी है या टैप से हम पानी ले रहे हैं, वो कितनी दूर तक जा सकती है, उसका प्रेशर कितना होगा, कितनी दूर तक जाएगी मीन्स वही उसका प्रेशर होगा ना। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा हार्ट का अगर नॉर्मली उसको रख दिया जाए, उसकी मतलब प्रेशर मेज़र करना, वो कितनी दूर तक पंप कर सकता है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आवर हार्ट कैन क्रिएट इनफ प्रेशर, इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है टू पंप ब्लड, कितना, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 feet, कितना, अप टू अ 30 feet, राइट, देख लो कितनी दूर जाएगा 30 feet। नेक्स्ट इज हार्ट बीट एंड पल्स, अ हेल्दी हार्ट मेक्स अ लबडब साउंड विथ ईच बीट, वो कैसी साउंड की आवाज़, साउंड कैसी होती है वो, लबडब लबडब ऐसे करके हमारा हार्ट है जो वो बीट करता है मीन्स उसकी साउंड ऐसी आती है लबडब लबडब ऐसे करके। अवर हार्ट नॉर्मली बीट 72 times इन अ मिनट, एक मिनट में कितने कितनी देर के लिए वो धड़कते हैं, 72 times एक मिनट में। बट इट बीट फास्टर, ये ज़्यादा धड़कना स्टार्ट हो जाता है मीन्स इसकी स्पीड बढ़ जाती है व्हेन वी रन, जब हम रन करते हैं, जंप करते हैं और डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई भी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, देन जो इसकी बीट है वो फास्ट हो जाती है। इट ऑल्सो बीट फास्टर, और कब भी ये फास्टर बीट करता है, व्हेन वी हैव अ फीवर एंड अदर डिजीज, जब हमें फीवर होता है या कोई और बीमारी होती है उस टाइम पे भी हमारा हार्ट है वो फास्टर बीट करता है। दैट्स वाई वी विजिट आर डॉक्टर, जब हम उसके बाद जब हमें कोई फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, ही और शी चेक आवर हार्ट बीट यूजिंग अ, वो क्या करता है, काम क्या करता है, हमारी हार्ट को हार्ट बीट को मेज़र करता है, किसके थ्रू मेज़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटोस्कोप, जिसकी हेल्प से, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो हमारी हार्ट बीट चेक करता है, उसको बोलते हैं स्टेटोस्कोप। व्हेन द हार्ट पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज एट हाई प्रेशर, पहले कहाँ जाता है हमारा ब्लड, आर्टरीज में, जब हार्ट पंप करके ब्लड को आर्टरीज में भेजता है एट हाई प्रेशर, इट कॉजेज अ पल्स, तब क्या होती है, पल्स क्रिएट कॉज होती है वहाँ पे। वी कैन ऑल्सो चेक आवर हार्ट बीट बाई काउंटिंग द पल्स रेट इन आवर रिस्ट, तब हम क्या कर सकते हैं कि पल्स रेट को भी मेज़र कर सकते हैं हमारी रिस्ट पे। सिंस द हार्ट पम्प ब्लड थ्रू कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द पल्स इन आवर ब्लड वेसल्स ऑल्सो बीट विद द सेम रिदम एज पम्पिंग ऑफ द
हर्ट, जिस सेम स्पीड से हमारा हार्ट पंप करता है उसी सेम स्पीड से हमारी पल्स है वो बीट करती है, राइट। इनका सेम कनेक्शन है, जितनी पल्स होगी उतनी ही हमारी हार्ट बीट होगी, राइट। नेक्स्ट, देयर इज प्रैक्टिस योन, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है। द हार्ट इज अ डैश ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो बताना है आप लोगों ने, जो ब्लड को पंप करता है। हर हार्ट बीट डैश, कितने टाइम एक मिनट में वो बीट करता है। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना है जो हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज होता है। हेल्दी हार्ट मेकर, कौन सी साउंड मेक करता है ईच बीट पे। अवर हार्ट बीट डैश, क्या कैसी बीट, कैसे हार्ट बीट करता है, जब हम रन करते हैं, जंप करते हैं और कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे होल चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स हैं दैट यू हैव टू डू, एंड देर इज अनदर 4 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर देम। हाउ डज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज डिफर दैट ऑफ वेन, आर्टरीज का काम वेन से कैसे अलग है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की जो मैंने डायग्राम इसमें दिखाई है उसको आपने ड्रॉ करने है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मैंने बताया, राइट, दैट पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक थी, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल में अपने कन्फ्यूज नहीं होना, क्या आएगा यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन, वो इंटरनल एक्सटर्नल वाली बात क्या है कि मैं दूसरे ब्लैंक पे चली गई थी, सो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे आपने मस्कुलर ऑर्गन कहना है इसको, राइट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कैसे वो करता है उसका आंसर देना है। अवर हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, हार्ट बीट है जो एक मिनट में 72 टाइम्स होती है। एंड इफ़ वी होल्ड अवर रिस्ट, अगर हम अपनी रिस्ट को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, एंड काउंट द पल्स रेट, इट इज़ ऑल्सो 72, ये सेम है, इसका कोरिलेशन क्या है, वो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, उसके आपने आंसर देना है, राइट। और जल्दी से जल्दी जो आपको होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट करो, एंड उसकी कॉपीज, फोटो कॉपी मीन्स नोटबुक की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में विद द नेम, अपना नेम लिख के, क्लास लिख के सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।